सलाम अलैकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ उपवास में बनने वाली खीर। तो इसके लिए क्या, ये उपवास में लोग खाते हैं साबू की खीर, पर इसके लिए मैं साबू नहीं भिगोती, डायरेक्ट कैसे बनाने का है मैं आपको बताती हूँ। और ये है 8 इलायची। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक मिक्सर लेती हूँ और इसमें ये साबू और इलायची को अच्छे से बारीक पीसती हूँ। और फिर कैसे बनाने की है वो मैं आपको बता। आप देख रहे हो मैंने साबू को और इलायची को अच्छे से बारीक पीस लिया है। अभी क्या करती हूँ, एक पतीली लेती हूँ और ये 1 कप दूध है, ठंडा जो है ये इसमें डालती हूँ। और ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, बस 1 कप में 2 चम्मच ये साबुन का पाउडर लगता है। और अभी इधर पकाने रखती हूँ और इसमें कम से कम 2.5 से 3 चम्मच शक्कर चाहिए है, पर मैं मेरे लिए बनाती हूँ तो अभी मैं शक्कर कम खाती हूँ। इसके लिए मैं अभी देख रहे हो आप 1/2 चम्मच शक्कर डालती हूँ, ज्यादा मैं शक्कर नहीं डालती। ये आप उपवास में इजीली बना सकते हो, बनाने में बहुत ही इजी सिंपल। वो आप साबू की खीर बनाओगे ना तो आपको कंपलसरी पहले से याद से साबू को रात से भिगोना पड़ता है, पर अगर आप ऐसे साबू और इलायची को पीस के डब्बा भर के रखो ना तो आप कभी भी बना सकते हो। और ये साबू की खीर आपके मुंह में छाले आते हैं तो पेट में गर्मी बढ़ जाती है उसकी वजह से, तो वही ये छाले को भी, ये साबू की खीर छाला भी कम करती है। और शरीर में जो हॉर्मोन्स रहते हैं जो इनबैलेंस होने लगते हैं तो ये साबू की खीर उसमें भी हेल्प करती है। तो इसको कम से कम 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाने का है। आप देख रहे हो खीर अच्छे से घट होने लगी है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। अभी गैस बंद करती हूँ और जो ये भीगा हुआ केसर है वो डालती हूँ। इसमें क्रीम नहीं डाला, मावा नहीं डाला, खावा यानी, पर इसके बावजूद भी ये खीर बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप उपवास करते हो, जो मतलब हिंदू लोग रहते हैं वो उपवास, उसमें वो साबू का यूज करते हैं, तो आप ये साबू की खीर बना सकते हैं। और हमारे रमजान में भी जो रोजे हम करते हैं ना तो उसमें शरीर में हीट बढ़ जाती है, तो हीट की वजह से क्या होता है मुंह में छाले बहुत आते हैं, तो ये खीर खाने से वो छाले भी कम होते हैं। बस वो अभी कुछ नहीं करती हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये केसर वाली कटोरी लेती हूँ, इसमें कम से कम 2.5 से 3 चम्मच शक्कर लगती है, पर मैं नहीं डाली तो आप वो डाल सकते हो। बनाने में एकदम सिंपल, इजी और टेस्टी है। प्लीज आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऊपर लास्ट में ये कटे हुए बादाम डालती हूँ। तो प्लीज आप देख रहे हो ये रेसिपी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको ये साबुक की 5 मिनट में बनने वाली खीर कैसी लगी बिना भिगोए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल का निशान भी दबाना। ओके, बाय, आई लव यू, थैंक यू।